सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैट के व्लॉग्स में। सो गाइस, मैं ना अभी इवनिंग से शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग से शूट नहीं कर पाई आज, क्योंकि आज फास्ट ट्रिप था, सबका थोड़ी वीकनेस हो रही थी इसीलिए। और गाइस देखो, यहाँ पर आज है ना क्या बनेगा, देखो यहाँ आज बनेगी कटहल की सब्जी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम खाऊंगी मम्मी, क्योंकि मैंने आज तक नहीं खाई है इसको। अच्छी लगती है आपने खाई? बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे लिए तो नया एक्सपीरियंस होगा, बहुत मजा आएंगे। अच्छी लगती है, देखो ये मम्मी लेकर आए थे तो मुझे दूर से ऐसा लग रहा था कि पनीर सच में पनीर नहीं हो, देखो इस तरह से रहती है कटहल की सब्जी। मैं खा के देखूंगी, मैंने आज तक नहीं खाई लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट करूंगी गाइस, क्योंकि मैंने खाई नहीं है, बनी ही नहीं आज तक। लेकिन मियां के पास तो बनेगी, देखना खा के एक बार। अच्छा, देखते हैं कैसी बनती है गाइस। आपने खाई है? हाँ मैंने तो खाई है, मम्मी घर बनती है क्या? नहीं बनी आज तक, मैंने खाई नहीं। अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है गाइस, लगता है सारा पनीर जैसे। अच्छा हाँ, पर पनीर से भी अच्छा लगेगा तुमको मैं ऐसा। हाँ, जब मम्मी लेकर आए थे तो मुझे ऐसे लगा था कि पनीर लेकर आए, फिर मम्मी ने बोला कटहल है ये तो। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम तो बस कुछ मत करो, टेस्ट करके बताना सभी को कैसी लगी तुमको, मम्मी बहुत अच्छी बनाती। ओके सो गाइस, भी दिखाते हैं आपको आगे। गाइस हमारा खाना वाना अच्छी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है, मैं कैसी लगी कटहल की सब्जी आज? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ कटहल की सब्जी मतलब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाई थी, और मम्मी ने इतनी बेस्ट बनाई ना, सच में खाकर मजा आ गया। मम्मी के हाथ का जो टेस्ट है ना, वो आप लोग भी खाओगे ना तो आप बोलोगे हाँ मैं सही बोलती है। सबको इनवाइट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली का है सभी को इनवाइट कर रहे हैं हम लोग तो, क्योंकि सभी आना एक बार, मम्मी के हाथ का भी खाना खिलाएंगे आप लोगों को जल्दी, और रिवील भी करेंगे इन फ्यूचर कि हम लोग कहाँ रहते हैं। तो अगर कोई भी आना चाहे हम लोगों से मिलने के लिए तो वो भी आ पाएगा। अब बात करते हैं गाइस कि महक को, आप लोगों का कमेंट था कि मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि महक तुम ससुराल में चली गई हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसे रख रहे हैं, और तुम सनातन धर्म में आई हो तो कैसा लग रहा है। तो कुछ बहुत सारे लोग हमसे नए जुड़े हैं तो उनको नहीं पता है कि मुझे कैसा क्या लग रहा है। मैंने एक वीडियो अपलोड भी करी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार उस पर विजिट करना, वो मेरे ससुराल के पहले का एक्सपीरियंस है, तो आप वो चेक करना एक बार, आपको पसंद आएगी वीडियो। अभी का अगर आप पूछ रहे हो तो मैं अभी का भी थोड़ा शेयर कर देती हूँ, जो मेरे दिल के अंदर है और जो चल रहा है सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो। क्यों तो हाँ, मैं तुम्हारे को मतलब अब ये बताओ कि तुमको ससुराल में कैसा लग रहा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस ससुराल के कैसा है? जैसे गाइस, जब मैं फर्स्ट टाइम जैसे आ रही थी ना घर पे, जब कॉल आया था सोहन भैया को बोला था कि इनको आना है, तो जब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या जाना ही है, क्या मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। फिर जैसे मैं सोहन भैया बात करते थे ना तो मैं सुनती थी, स्पीकर पे चालू कर देते थे वो, तो मैं मम्मी की आवाज़ सुनती थी, वो बोलते थे कि हाउ ठीक है, बच्चों ने जो कर लिया है तो अब क्या कुछ हो नहीं सकता उसका, तो अब अपना लेते हैं, सब अच्छा हो जाएगा, समाज का तो काम है बोलने का, सब अपना लेंगे एक टाइम पे। तो फिर सब सुन इस बात सब बात मैंने सुनी ना, तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार कि सोचते बच्चों के बारे में, ऐसा नहीं है, हर माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचते, इन्होंने भी सोचा हमारे बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस बात को सुनकर। उसके बाद हम जब आ रहे थे ना तो मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा था, और बहुत मतलब घबराहट सी हो रही थी कि यार कैसे मैं क्या रहूँगी, और कुछ मुझसे गलती नहीं हो जाए, कैसे मतलब कोई मुझसे होता है ना गाइस वो डर बना रहता है, वही ना कोई मुझसे भेदभाव नहीं रखे कि तू मुस्लिम थी और यहाँ गई, रहता है ना, वही मेरे माइंड में कुछ अलग अलग ही चल रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद जैसे ही मैं इस घर में आई, मैंने इस घर में कदम रखा, तो जो फीलिंग थी ना मैं बता नहीं सकती, तो बहुत अच्छा लगा, कदम रखा, मेरा स्वागत करा ना, तभी मैं समझ गई थी नहीं इन्होंने हमें ना दिल से अपनाया है। ऐसे ही अगर नहीं दिल से नहीं अपनाते तो ऐसे घर में ले आते हैं बिठा देते हैं, लेकिन उन्होंने दिल से अपनाया मुझे, मतलब हर तरह की मतलब साड़ियाँ भी दी मुझे, गिफ्ट करी, और बहुत अच्छा लगा गाइस सच में, इतना प्यार दिया। मम्मी ने मुझसे पूछा भी सही कि तेरी फैमिली वाले से बात होती है या नहीं, तो मैंने बोला नहीं होती है, फैमिली वाले तो कोई बात करेंगे नहीं, उनको तो पता नहीं, इतना गुस्सा आ रहा है कि बच्चों की खुशी नहीं देख पा रहे मम्मी, वो तो आपने हमारी खुशी देखी और आपने बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं रो दी थी उस टाइम, मैं बहुत रोई सच में, इतनी रोई हूँ, उन्होंने मुझे बहुत, आप वीडियोस में देखा ही होगा गाइस, कि मैं मतलब रोना मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, तो फिर थोड़ी इमोशनल हो गई अंदर से, मैं रोना कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद फिर मम्मी ने समझाया कि मैं हूँ अब तेरी मम्मी, मैं हूँ पापा भी, मैं हूँ तेरा सब कुछ हूँ मैं, मतलब मेरे घर की बात कर रहे थे वो, टेंशन मत लेना, यही पियर है तेरा, यही ससुराल है, सब यही है तेरा। तो मैंने बोला कि
दिल खुश हो गया, मम्मी आपने ऐसी बात बोली ना, बहुत अच्छा लगा था कि मैं मतलब यहाँ पर रह रही हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मैं दूसरे के घर में आ गई हूँ या फिर कैसे रह रही हूँ, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। इतने अच्छे, इतने दिन हो गए, कितने दिन हो गए अपने को? हाँ, काफी टाइम हो गया, मतलब 15-20 दिन हो गए शायद। 15-20 दिन हो गए, तो मुझे एक दिन में से रियलाइज नहीं हुआ कि यार मैं किसी और के घर पे रह रही, किसी और के घर में रह, ऐसा लग रहा अपना ही घर है, ऐसा लगता है कि मुझे मम्मी पापा से मैं बरसों से मिली हुई हूँ। सोहन भैया तो आपको बताइए, वो तो ऐसे लगता है कि मेरे भाई, मतलब बचपन से ही मेरे साथ रह रहे हैं, मजाक मस्ती चलती रहती है हमारी पूरी फैमिली में। लेकिन सोहन भैया जो है ना, मुझे रोने बिल्कुल भी नहीं देते, मतलब मेरे को घर वालों की कभी कभी याद आ जाती है, जैसे कुछ बैठती हूँ ना तो जैसे कि हम इतने खुश है, सब रह रहे हैं और सब साथ में है, अगर मेरे माँ बाप भी मुझसे बात करते तो बहुत अच्छा लगता, बस कोई बात नहीं, वो नहीं करते तो इमोशनल ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है गाइस। हाँ, लेकिन मैं अब सीख चुकी हूँ अपने इमोशनल को कंट्रोल करने, क्योंकि गाइस एक साल हो चुका है, अब रोने से भी क्या होगा। उन्होंने उनको तो दिख नहीं रहा है कि उनकी बेटी रो रही है ये वो, लेकिन मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ उनको, क्योंकि वो तो मेरे मम्मी पापा है, एक ना एक दिन उससे बात भी करेंगे, वो सब करेंगे, वो मुझे मेरे दिल में मुझे अपने आप पे यकीन है, वो मेरा दिल ये कहता है, इसीलिए मैंने बोला। तो गाइस यही सब कुछ है, सोहन भैया मुझे रोने नहीं देते, जैसे मैं रोजाना से मेरा आंसू टपक जाता है ना तो भाभी मैं हूँ ना, तो मुझे ना थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर होती है और मुझे हंसा देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे, वो भी बहुत अच्छे। और पापा की बात करें तो मेरे मतलब मेरे ससुर जी की बात करें तो वो भी कुछ नहीं कहते हैं, उनको ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब मुझे एक दिन मूंग की बड़ी की सब्जी की याद आई, अच्छी लगती है वो मुझे, तो मम्मी ने बोला कि पापा ने सुन लिया, तो पापा मतलब गए उसी टाइम शाम के टाइम, और चुपचाप किसी को बताया मैंने, उनकी बड़ी लेकर आ गए किचन में। और जैसे कि मेरी मतलब बहू आई है तो घी भी लेकर आ गए कि घी की रोटी खिलाओ इनको। हाँ, उल्टा करने के लिए। हाँ, तो मम्मी ने बोला कि घी तो था घर पे बनाया मैंने, फिर मुझे नहीं पता था, मैं तो ले आया। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब सब मतलब किसी चीज में कमी नहीं है हमारी फैमिली तो है ही सही गाइस। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे काका के बच्चे भी हैं, तो काका के बच्चे उन्होंने भी बहुत घुल मिल गई है, घुल मिल गई, मतलब मुझे भाभी भाभी कहते हैं कि भाभी बहुत अच्छी, भाभी बहुत अच्छी, और रहते सब अच्छे से मुझसे, और जैसे कि माया, छोटी, सपना, डगू, बहुत अच्छे से, मतलब सभी, मतलब आपको बता जुड़ गए वो घर पे ही रहते हैं आधे टाइम उनको मतलब आसपास में हैक के बैठे रहते हैं। छोटी तो वो छोटी है ना, वो मेरे पास ही रहती है, मतलब यही आ जाती है, सुबह से शाम को जाती है, मतलब दिन में चले जाती है कभी कभी, लेकिन वो यही रहती है मेरे पास। के भाभी, हाँ के भाभी तो चले जाएगी कुछ दिन बाद, चले जाएगी, मैंने कि यही हूँ मैं, कहीं जा रही हूँ, आते जाते रहेंगे हम तो, टेंशन मतलब तुम। बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, ये मेरे दिल की बात है गाइस। और कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि जैसे कि तुझे शर्म नहीं आ रही है, तू खुश है ना, तेरे माँ बाप की तुझे याद नहीं आती है, ऐसे बार बार ऐसे कमेंट मत करा करो। मैंने हर बार बोला है कि क्या मैं रोऊं क्या, आप चाहते हो कि मैं मतलब मुझे खुशी ये लोग दे रहे हैं, उस खुशी में खुश नहीं हूँ और दुखी होकर एक कोने में बैठी रहूं कि मेरे माँ बाप तो मुझसे बात नहीं कर रहे। देखो मैं तो ये थोड़ा सा ना नॉलेज थोड़ा सा रखो दिमाग में कि क्या सही है और क्या गलत है, और किसी की कोई खुश है तो उसकी खुशी में खुश होना सीखो। ऐसा नहीं कि आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, अगर हम अच्छे ही लग रहे हैं तो आप भले ही मत देखो, हमारे जो सपोर्टर हैं, हमें जो प्यार करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उनको तो हम दिल से थैंक यू सो मच बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मैक ने गाइस, क्योंकि देखो बहुत हेटर्स तो बहुत सारे हैं, और वो बहुत सारे हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि हिंदू नाम से आईडी बना बना के भी बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, आपको पता नहीं कि हिंदू नाम से हिंदू लोग ही है या फिर गलत आईडी क्रिएट कर करके कुछ और दूसरी कम्युनिटी वाले लोग हैं, वो पता नहीं है। लेकिन भाई अगर देखो कोई लड़की अगर अपने घर यहाँ पे आई है तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत रखना चाहिए हम लोगों को। और आज भाई कितनी अच्छी तरीके से सब चीज़ों का प्रचार करती है, जिससे उसको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब चीज़ें बताती है आप लोगों के साथ में। तो आप लोग भी ये नेगेटिव कमेंट करना छोड़ो और खुशी देखा करो भाई सबकी। हाँ, जैसे कि वो आज यहाँ पे खुश है, हंसी मजाक करती रहती है, और मम्मी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसका कि नहीं यार बेटा तू जो करना चाहती कर, पापा ने भी उसको कभी रोका नहीं। नहीं तो बहुत सारी जो फैमिली वाली रहती हैं वो ससुराल में आने के बाद में मना कर देते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, अब छोड़ दे, तू तो ससुराल में आ गई खुश रहे, लेकिन हमारी फैमिली वालों ने कभी भी मना नहीं करा। कभी मतलब वीडियोस वगैरह के लिए या फिर मैं बाहर जाती हूँ और मैं यहाँ पर भी एक्टिवा चलाती हूँ, मुझे कोई मतलब रोक टोक नहीं कि तू एक्टिवा क्यों चला रही है, तू तो यहाँ की बहू है, सब कुछ मतलब माइंड में नहीं है। हाँ, बहू मैं जानती हूँ, खुद जानती हूँ कि हमें बहू को तो बहू कैसी रहती है, बहू की मर्यादा में भी रहती है। देखो सब कुछ करो लेकिन मर्यादा कभी ना भूलो, ये
इंसान मिलता है। अगर आपको आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले आपके ऊपर इतना भरोसा करते, इतना ट्रस्ट करते हैं और आपको खुला छोड़ते हैं, तो उनका ट्रस्ट भरोसा कभी ना तोड़ो और उनके साथ खुश रहो। उनको हर चीज़ में, उनको भी अब वो अपने को सपोर्ट करें ना, उनके साथ भी हमेशा खड़े रहो, खुशी में भी और दुख में भी। बिल्कुल गाइस, मैं पूरी तरीके से गाइस यहाँ पूरी फैमिली से इतना घुल मिल गई है ना, हमारी तीन फैमिली है जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने वीडियो में मिलवाया हमारी पूरी फैमिली से। तो मेरे पापा सबसे बड़े हैं, दूसरे नंबर पे संतोष काका है, जय के पापा, तीसरे नंबर पे है बंटी काका, जिनकी तीनों लड़कियां हैं और एक लड़का है डुगू जिसको जिससे आप मिले हुए, और बुआ से भी आप सब मिल सके हो। तो मतलब यही है हमारी पूरी एक फैमिली, और भी बहुत और सारे भी बड़ी फैमिली है हमारी तो, लेकिन हम लोग जरूर मिलाएंगे आपको पूरी फैमिली से। अभी हम लोग जल्दी जाने वाले भी हैं गाँव, हमें बहुत लोग बुला रहे हैं कि नई बहू को लेकर आओ, नई बहू से हमें मिलना है। देखो हमारे समाज में एक चीज तो अच्छी लगी मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग अच्छे पॉजिटिव भी सोचते हैं, तो मम्मी को कॉल आते रहते हैं तो मम्मी बताती रहती है कि देखो बहू ऐसी है हमारी वैसी है, और बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस भी देखते हैं तो उनको पता है कि महक का नेचर कैसा है। तो एक अच्छी तरह हम लोग अच्छा मानते हैं कि यार एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जिसकी वजह से हम लोगों को, देखो हम लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई उससे। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जैसे कि आप सभी को पता है जिन्होंने हमारी स्टोरी देखी होगी, तो हम लोग कितनी मुश्किल में थे। सोशल मीडिया से, यूट्यूब से ही हम लोगों को मतलब इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला, और यूट्यूब के सपोर्ट की वजह से ही आज हमारी फैमिली ने हम लोगों को एक्सेप्ट करा। आपने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करे कि जो फैमिली वालों ने पढ़े और कमेंट पढ़ पढ़ के ही उन्होंने सोचा कि नहीं यार देखो इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सासू माँ अपना लो, महक अच्छी लड़की, ऐसे कर करके उसको बोला। और महक का नेचर मम्मी को पता नहीं चलता ना किसी को पता चलता, तो महक का जो नेचर था ना सभी ने यूट्यूब पे ही देखा तो उनको पता चला कि यार इनका नेचर कैसा है। और आज जो सारी चीज़ें होती है ना, तो वो भी जितने भी समाज वाले लोग हैं वो सब देखते हैं और महक क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कितनी हंसमुख लड़की है, वो सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर देखते हैं ना, तो उन लोगों को भी लगता है कि नहीं यार बहुत चेंज हो गई है। देखो कहीं ज़िंदगी में आए हैं तो खुश रहना सीखना चाहिए, हर चीज़ हाँ छोटी 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 से छोटी चीज़ में ना खुश रहना सीखना चाहिए। खुश रहे करें, लाइफ दिए भगवान जी ने तो अच्छे से जियो और खुश रहो। दुख हर लाइफ में आता है, दुख कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बोलते हैं कि हमेशा क्यों ये दांत दिखाते रहते हैं, तो भाई देखो हमारा नेचर है ऐसा, हमारी पूरी फैमिली ऐसी है कि पूरी हंसमुख है, हम दुख में भी होते हैं ना तो दुख में भी हंसते हैं और रोना आता है तो खुल के रोते भी हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि हार जाते, क्योंकि हम लोगों ने देखो संघर्ष करके बहुत, हम लोगों ने बचपन से ही शुरू में संघर्ष करा हम लोगों ने भी, मतलब ये मुझे बताते रहते थे ना स्टार्टिंग में कि हमने भी बहुत मेहनत करी है, फैमिली वालों ने भी बहुत संघर्ष करा है, हमने भी तो मुझे लगता था कि मतलब हम लोग शुरू से ये चीजें देखते आए, फेस करते आए, तो हम लोगों को पता है कि देखो कैसे एक आदमी धीरे धीरे कर करके चलता है, उठता है, तो हम लोगों को पता है। और आज महक ही है ना, तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो आज हमारे घर में महक ही है। और ये दिल से बोलता हूँ गाइस इसमें हर चीज़ वीडियो के अंदर कि यार जो महक ही है ना, तो सच में मतलब महक मेरे लिए तो बहुत लकी है। देखो भाई सीधी सी बात बोल रहा हूँ, और आप मेरे लिए लकी हो, जैसे अपन दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और बहुत सारे लोग बोलते ना कि आप लोगों की तीनों की मम्मी की भी शक्ल मिलती है, आपकी और दोनों की भी शक्ल मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है भाई कि देखो होता है ना कि ऊपर वाले भगवान ही जोड़ी बना के भेजते हैं। तो वाकई में सोचो अभी जैसे कैमरा में देख रहे हो ना, तो अपन दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। वो लगता है कि जब ज़्यादा एक दूसरे में प्यार बढ़ने लगता है, जब ज़्यादा एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं ना, तो जो उनकी जो आदतें होती है वो भी सेम होने लग जाती है और शक्लें भी मिलने लग जाती है। चाहे आप किसी दोस्त के साथ में भी ज़्यादा टाइम बिताओगे ना, जैसे 4 साल 5 साल तक आप कंटिन्यू मिलते रहोगे और आप लोगों को देखते रहेंगे लोग, तो उन लोगों को लगेगा कि दोनों एक जैसे ही है। देखना आप ये चीज़ें फील करी है हम लोगों ने। सो यही था गाइस महक का एक्सपीरियंस। और महक तुम वाकई में खुश हो? बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस यही है कि हमारी खुशी को भगवान किसी की नजर ना लेके, क्योंकि देखो बहुत सारे बुरे लोग ऐसा रहता है कि बुरे लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में दुआ देने वाले भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। डर लगता है, जैसे हम खुश रहते हैं, हम खुशियों से वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा ना डर लगता है यार कि हमारी खुशियों किसी की नजर ना लगे, वैसे भगवान जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल कुछ नहीं। तो गाइस अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और महक तुमको तो अच्छा लगा ना क्या पूरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा लगा, बहुत बेस्ट लगा। और गाइस और कुछ भी हमसे पूछना हो तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं उसका भी रिप्लाई जरूर करूंगी। और ये जो आज हमने रिप्लाई करा ना, बहुत सारे लोगों का कमेंट थे कि मेरे बताओ बताओ, तो फाइनली तो वो आप लोग साथ में शेयर फाइनली हमने बता दिया, और सच में सब ठीक है और मस्त रह रहे हम, और परेशानियों में साथ रहते हैं और खुशियों में भी साथ रहते हैं, यही जीवन का संघर्ष है।
चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो और महक के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें भाई, सब्सक्राइब कर लेना गाइस जो भी नए हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना जरूर, लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस।